उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से मांगी गई 1000 बसों का मुद्दा गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि कांग्रेस ने जो बसों की लिस्ट दी है उसमें आधी बसें फर्जी हैं। दिनेश शर्मा ने ये कहा कि कांग्रेस की 460 बसें फर्जी हैं, 297 बसें यहाँ पर कबाड़, जबकि 68 बसों के पास पेपर्स ही नहीं है। संकट में भी अपने आचरण से वो बाज नहीं आ रही है। मिथ्या वर्णन करना, झूठे दावे करना, लोगों को गुमराह करना, प्रवासी श्रमिकों की भावनाओं से खेलना, उत्तर प्रदेश सरकार को अनर्गल प्रलाप करके दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रचना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। कायदे से तो महामारी के संक्रमण काल में सभी को सरकार की सहायता में आगे खड़े होना चाहिए था। मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति में सरकार के सकारात्मक कार्यों के प्रति अपनी सहमति दिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने गुमराह करने का काम किया। और आज जानकर ताजुब तो तब हुआ जब धपोल संघ की घोषणा के अंतर्गत उनके कपोल कल्पित लिस्टों में नाम आए, कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा, तिपहिया वाहन, तो कहीं पर एम्बुलेंस दिखाई पड़ा, तो कहीं मालवाहक गाड़ी दिखाई पड़ी, तो कहीं स्कूटर दिखाई पड़ा। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है।